हालेलुया, सब कुछ एमसी के स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, प्रशंसा का प्रभाव। जिस तरह उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 29 की 35 आयत में लिखा है, और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी, इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम रूत की किताब पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि नाओमी का पति एलीमेलेक यहूदा के बेतलहम से मोआब देश में रहने के लिए चला गया, क्योंकि यहूदा में उस समय भारी अकाल पड़ा था। यहूदा का मतलब प्रशंसा, महिमा, परमेश्वर की तारीफ करना। मोआब देश वह देश था जो बाप और बेटी के मेल से पैदा किया गया था और जिस देश से परमेश्वर नफरत करते थे, यानी कि जब वह प्रशंसा को छोड़कर मोआब देश में गया तो वहाँ पर उसका पति मरा, उसके बेटे मरे, क्योंकि उसने प्रशंसा के देश को छोड़ दिया था। मतलब प्रशंसा को तुच्छ जाना। बाइबल बताती है कि याकूब की पहली पत्नी लिया थी और दूसरी पत्नी राहेल थी। याकूब की नज़र में लिया अप्रिय थी, इसलिए परमेश्वर ने लिया की कोख को खोला पर राहेल की कोख बंद की थी। लिया के बेटे रूबेन, सिमोन, लेवी और यहूदा थे। बाइबल बताती है कि जब यहूदा पैदा हुआ तो उसकी कोख बंद कर दी गई। ऐसा क्यों? क्योंकि यहूदा आने के बाद, मतलब प्रशंसा आने के बाद, परमेश्वर ने कहा कि अब तू आराम कर, क्योंकि अब तू यहूदा को जन्म दे चुकी है। मतलब जब आपके जीवन में प्रशंसा आएगी तो फिर आपको और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे प्रियो, जब आप यहूदा को जन्म दोगे, मतलब जिस दिन प्रशंसा आपके अंदर से निकलेगी, तो आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे और फिर जब आप एक प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको उसके 100 उत्तर देगा। इसलिए पौलुस और सिलास जेल में रोए नहीं, कुड़कुड़ाए और चिल्लाए नहीं। जेल में जब उनको मारा गया तो उन्होंने परमेश्वर की प्रशंसा करनी शुरू की, क्योंकि वह प्रशंसा के मतलब को जानते थे। वह जानते थे कि प्रशंसा में ही छुटकारा और आज़ादी है। बाइबल बताती है कि जब उन्होंने प्रशंसा करनी शुरू की तो जेल की नींवें हिल गई और उनके बंधन खुल गए और वह आजाद किए गए। याद रखें, अगर आज एक मसीही व्यक्ति परमेश्वर की सच्ची प्रशंसा करनी सीख जाए और प्रशंसा के मतलब को जान जाए तो वह परमेश्वर से सब कुछ लेना सीख जाएगा। आमीन। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अगर हमारे जीवन में कुछ होगा, गवाही होगी, कनाडा जाएंगे, फिर ही हम परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। ऐसे लोग फिर बिल्कुल गलत राह पर हैं। जो परमेश्वर के सच्चे आराधक होते हैं उन्हें परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए बीजों की जरूरत नहीं होती, चंगाई की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह प्रशंसा के मतलब को जानते हैं। इसलिए ऐसे लोग अजीब रीति के साथ आशीषित होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की प्रशंसा करने वाले लोगों के ऊपर शैतान कभी काम नहीं कर पाता। इसलिए आप भी पौलुस और सिलास की तरह प्रशंसा के मतलब को समझें और परमेश्वर की प्रशंसा करें। फिर परमेश्वर आपको छुड़ाकर ऊंचा करेगा और आजाद करेगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमेन, आमेन। अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं हमेशा आपकी प्रशंसा करूँगा, क्योंकि मैं प्रशंसा के मतलब को जान चुका हूँ। मैं आपके ही नाम को ऊंचा करूँगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें।